वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन दो बड़ी खबरें बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती को लेकर आ रही हैं। जो पहली खबर थी हमने सुबह ही आपको दी थी, जहां पर बीडीओ बीपीडीओ की जो भर्ती में जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई है और उसको लेकर जो है बहुत बड़ा संदेह नजर आ रहा है। अब जो शाम होते होते जो बुरी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये निकल के सामने आ रही है, ये फोटो काफी वायरल हो रही है। जी हाँ, ये अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके चंद सेकंड पहले ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है और उसके बाद मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए बॉबी पवार के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी गया और वहां पर भी उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको मैं पूरी खबर इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें हम आप तक रेगुलर हम पहुंचा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का हम पक्ष रखें, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे उस भर्ती से जो है दूर हुए कैंडिडेट जिनका होना चाहिए था लेकिन इस अनियमितता के कारण नहीं हो पाया। चलिए बात कर लेते हैं इस फोटो की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीएम धामी के निर्देशों पर मुकदमा दर्ज। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना, एसटीएफ को स्थानांतरित। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो है बहुत ही हिला देने वाली न्यूज है और उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा राहत है जो कि लगातार मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती हुई उसमें निविदताएं पाई गई हैं। लेकिन थोड़ा सा अब ये डरा देने वाला है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द या कोई भी बाइट आपने उन्होंने बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर नहीं दी है। लेकिन आज का जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। धामी, यहां पर आप देख सकते हैं सीएम धामी ने निर्देश पर मुकदमा दर्ज, मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना, एसटीएफ को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि जो मांग रखी गई थी वो सीबीआई की थी लेकिन फिलहाल यहां पर जो है एसटीएफ को जो है ये मामला सौंपा गया और मुकदमा दर्ज हुआ है। कहां पे हुआ है पूरी खबर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को आप जरूर देखें और अंत में बॉबी पवार का जो पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस खबर के वायरल होने के जस्ट मैंने वो पोस्ट जो है लिया है, आपको उसकी मैं एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज दिनांक 22 जुलाई 2022 को उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दिनांक 4 और 5 दिसंबर को जो स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें अनियमितताएं और गड़बड़ी के संबंध में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पर जो आदेश जारी हुआ है सीएम धामी की ओर से वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की जरूरत थी, जिसको लेकर आपने देखा होगा बेरोजगार संघ लगातार ये बात कर रहा था कि सीएम धामी आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। और आप जरूर देखिएगा, हो सकता है शाम तक आपको जो है बॉबी पवार लाइव देखने को मिले, हमारी प्रॉपर नजर उस पर बनी रहेगी। तो फिलहाल देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अशोक कुमार यानी कि डीजीपी उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के आदेशों के क्रम में स्नातक स्तर की परीक्षा में हुई अनियमितता गड़बड़ी के संबंध में थाना रायपुर में जो है आप देख सकते हैं 289/22 धारा 420 जो है यहाँ पर जो है बेनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, यानी कि आप देख सकते हैं थाना रायपुर में 289/22 धारा 420 के तहत जो है अज्ञात के मामले में जो है यहाँ जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अलावा उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना, उत्तराखंड एसटीएफ को स्थानांतरित करने का आदेश जो है पारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाता है कि अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है और इसके आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं जो मैंने एक घंटे पहले वीडियो पोस्ट किया था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो जो है ज्वाइनिंग को लेकर ज्ञापन सौंपने गए थे, वो अब जो है थोड़ी सी मामला गड़बड़ी के संदेश नजर आ रहा है। अब आप देखिए ये
बॉबी पवार का जस्ट नाउ का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उनके फेसबुक आईडी से, जहां पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली को लेकर थाना रायपुर में इतना बेनाम के बेनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई, इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये खबर ऐसे ही वायरल नहीं है, ये खबर में कहीं ना कहीं सत्यता है। शाम होते होते आप देखना तमाम न्यूज पोर्टलों से लेकर आपको मीडिया तक में ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है बॉबी पवार खुद जो है लाइव आकर इस बात को आप तक पहुंचाएं। बाकी यार आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी खबरें हम आप तक रेगुलर पहुंचा जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोशिश है कि मैं उनका भी पक्ष रखूं जो सिलेक्टेड हुए हैं, यानी कि जो मेहनती कैंडिडेट है। सिलेक्टेड मीन्स मेहनती, यहां पर इस बात को आप समझें। और उन कैंडिडेट्स का भी हम पक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे जो इस अनियमितताओं का भेद चढ़ गए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार आ रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।